तो ये है विजय होटल का फेमस चुस्ता। ये चुस्ता होता है, हर आदमी में भी होता है एक पीस, वैसे जानवर में भी होता है एक पीस। तो आज मैं आपको लेकर आ गया पटना के मशहूर विजय होटल में, जहाँ पे दिन का 40 किलो मटन बनाया जाता है और यहाँ पे लोग इसको काफी पसंद करते हैं। तो चलिए चलते हैं, इसकी मेकिंग देखते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विजय कुमार चौधरी हुआ। कितना टाइम हो गया इस रेस्टोरेंट को? दुकान का हो गया 40 वर्ष, 85 से हम चला रहे हैं। तो भैया कितना किलो मटन बनने वाला है अभी? इसमें 40 किलो बनेगा भैया। 40 किलो बनेगा? हाँ जी। तो ये आ गई हल्दी, ये आ गया नमक, गुलकी या गुलकी, गुलकी, काली मिर्च। हाँ काली मिर्च, ये देखिए मिक्सी से पीस के आधी लहसुन सब एक बार डाल दीजिए। अदरक लहसुन का पेस्ट है? हाँ। तो देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें डाल दी है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, नमक डाल दिया है, काली मिर्च डाल दी है, प्याज डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया जाएगा। तो अब इसको प्याज को पानी में गलाया जाएगा। तो ये आ गया यहाँ पे कढ़ाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 40 किलो मटन के लिए मसाला बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले इन्होंने ऑयल डाल दिया। तो सरसों का तेल रहता है? हाँ सरसों का तेल है, स्कूटर नीचे पीना रखा हुआ है। तो 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्याज गलना स्टार्ट हो चुका है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया जा रहा है, जो भी मसाले इसमें डाले थे। तो आप देख सकते हो ये है चर्बी जो कि मटन में यूज़ की जाती है। तो देख सकते हो प्याज में यहाँ पे डाला जा रहा है चुस्ता। तो भैया कितने पीस डालेंगे इसमें? 3-4 पीस प्याज गल रहा है। प्याज तो गर्मा गर्म तेल में प्याज डाल दिया गया। अब यहाँ पे हमारा मसाला रेडी होगा, लाल हो जाएगा इस तरह से। अच्छा, तो इसमें मसाला पड़ेगा, पहले प्याज का पेस्ट पड़ेगा, उसका मसाला पड़ेगा। इसमें बटर डाल देंगे मसाला डालने से पहले। अब इसमें डालने जा रहा है बटर, हो गया 10 मिनट लगेगा लाल होने में। अच्छा, ये आधी लहसुन का पेस्ट आ गया, प्याज लाल हो गया हमारा। हाँ जी, तो हमारा प्याज अच्छे भून चुका है, अब इसमें लहसुन का पेस्ट डाल दिया। तो प्याज में अभी मैंने हल्दी मिक्स कर दी। हाँ, हल्दी डाले हैं, अब धनिया डलाएगा। तो अब नेक्स्ट क्या डालें भाई? मसाला डाला गया। अच्छा क्या क्या है इसमें? हल्दी है, मिर्चा है, धनिया है। तो देख सकते हो बहुत सारे इन्होंने मसाले इसमें मिक्स कर दिए और हल्का सा पानी डाल दिया। अब सबको अच्छे से मिला लिया जाएगा। तो बढ़िया तरीके से एकदम फ्रेश कटा हुआ मटन यहाँ पे आ चुका है, मटन डाला रहा। अब इसमें मटन डाला जा रहा है। तो डेली यहाँ पे फ्रेश मटन बनता है? जी जी, फ्रेश मटन बनता है। एक ही टाइम दुकान खुलता है, ये मटन जब खत्म हो जाएगा दुकान बंद है। अच्छा, दुकान बंद हो जाएगी जब जी। तो हमारा यहाँ पे मटन डल चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो मटन अच्छा डल चुका है, प्याज प्याज अच्छे से इसको मिक्स कर लिया जाएगा। आप देख सकते हो मटन के मसाले को पकाने में बहुत टाइम लगता है, 2 घंटे लगते हैं, और कितना थिक हो चुका है, अच्छे से ऑयल में मिक्स हो चुका है। तो हमारा मसाला डलने जा रहा है मटन में और इसको अब अच्छे से मिला लिया जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, मटन बहुत ही देर तक पकाया जाता है यहाँ पे, 2 घंटा पकाया जाता है। तो मैंने बहुत जगह मटन बनते हुए देखा, बट जो विजय होटल का बनाने का तरीका है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। रंगत देख सकते हो कितनी बढ़िया आ चुकी है और अभी धीरे धीरे इसको पकाया जा रहा है, जो भी रोगन होगा वो ऊपर को आएगा। तो यहाँ पे जो स्पेशली मटन बनाया जाता है उसमें चर्बी भी डाल जाती है, काफ़ी लोग खाना पसंद करते हैं। और ये अब डाला जा रहा है मसाला। भैया कौन सा मसाला डाल रहे हो? जीरा का पाउडर है। जीरा पाउडर? हाँ, गुलमिर्च और जीरा का पाउडर। यहाँ पे ग्रेवी बनाने के लिए भैया ने गर्मा गर्म पानी ऐड किया इसमें और अब इसको अच्छे से मिला लिया जाएगा। और ऊपर देख सकते हो आपको चर्बी भी दिख जाएगी जो कि ऊपर तैर रही है। यह देखिए पतीला, यही है विजय होटल का। छोड़ो भैया, तो ये बता दीजिए ये क्या होता है, चुस्ता क्या होता है? ये चुस्ता होता है, हर आदमी में भी होता है एक पीस, वैसे जानवर में भी होता है एक पीस। एक पीस होता है? हाँ। फैट ज्यादा होता है इसमें? हाँ फैट ज्यादा होता है, दुबला पतला आदमी रहेगा ना तो तुरंत उसका फैल जाएगा। तो कितने पीस होते हैं आपके इसमें पूरे मटन में? मटन में 1 किलो का 15 पीस कटता है, 1 किलो में 15 पीस का साइज रहता है। इसका एगो का कीमत है 300 रुपया और उसी को पीस काट के 5 पीस 6 पीस होता है, बेचते हैं 50 रुपये पीस करके। तो ये है विजय होटल का फेमस चुस्ता जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं। भैया कहाँ कहाँ से आते हैं लोग? ये दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, सारा जगह से आते हैं। सब जगह से आते हैं। तो इसको कट कर लेंगे भैया? हाँ काट कर देते हैं। काट के देते हाँ काट कर देते हैं, चार पीस कर देते हैं, जैसा जो चुस्ता रहेगा वैसा काट कर देते हैं। ये चर्बी वाला हुआ है, ये रहती चर्बी, थोड़ा टेस्ट में कैसा रहता है ये? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। नली का पीस है? ठीक है, इसका ज़्यादा डिमांड इसकी रहती है जी। ये फूट का पीस है? फूट का पीस। हाँ, इसमें चर्बी हड्डी गुदा सब लगा रहता है। अच्छा,
तो देख सकते हो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी मटन लगने जा रहा है, और पूरी कटोरी भर के यहाँ पे मटन लगाया जाएगा। अलग अलग पीस लोग पसंद करते हैं खाना, तो सब में अलग अलग पीस रहते हैं, जो भी लोग डिमांड करते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे पीस लगाए जाते हैं। हाँ, ये आदमी फरमाइश करते हैं, आदमी मटन ये भी चाहिए पीस मिलेगा आपको। अच्छा, हर फरमाइश का मटन मिल जाता है आपको। तो एक कटोरी में कितने पीस रहते हैं? दो पीस मटन, एक प्लेट चावल 130 रुपये का। सिंगल सिंगल मटन लीजिएगा एक पीस तो 50 रुपये का पड़ेगा एक पीस। तो जैसे ही ऑर्डर लगता रहता है कटोरियाँ भरती रहती है, 14 से 15 कटोरी एक साथ लगाई जाती है यहाँ पे। तो हमारी चुस्ता की यहाँ पे कटिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसके कितने पीस होते भैया? इसमें 6 हो गया, किसी में 5 हो गया, किसी में 5 हो गया, यही साइज रहता है। अच्छा, ये साइज रहता है। तो पटना के फेमस विजय होटल का मटन यहाँ पे लग चुका है। तो इन्होंने इसमें 2 पीसेस दिए मुझे, साथ में दिए चर्बी, और ये प्लेट रहती है 130 रुपये की, जिसमें कि चावल रहते हैं, 2 रोटी रहती है। तो इन्होंने मुझे दिया नली का पीस, जिसकी सबसे ज़्यादा यहाँ पे डिमांड रहती है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये है चर्बी, जिन लोगों को चर्बी पसंद होती है ये चर्बी भी सर्व करते हैं। तो ये होता है सीने वाला पीस। तो चलिए अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट है, एकदम बढ़िया से इसको पका के बनाया गया है। रोगन देख सकते हो आप इस पर, बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने इसको अच्छे से कुक किया है। इजीली पीस निकल जा रहा है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही जूसी है। स्पेशली जो इनकी ग्रेवी है बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाई है। तो टाइमिंग क्या रहती है आपके रेस्टोरेंट? दुकान का तो टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम का 5 बजे तक। अब उसी बीच में कभी 3 बजे ख़त्म हो जाता है। हफ्ते में कितने दिन लगाते हो? 7 दिन लगता है। हाँ, पर्व में खाली बंद रहता है। पर्व में अब जैसे होली हो गया तो 4-5 दिन का छुट्टी है, तो 4-5 दिन बंद रहेगा। एड्रेस बता दीजिए किसी को यहाँ पे मटन खाने के लिए आना। आपका अंटा घाट बोलता है, हरियाली सब्जी मार्केट। हाँ, इसका पूरा पता किसी को देना होगा तो कहिएगा, गांधी मैदान पेट्रोल पंप के ठीक सामने सब्जी का मार्केट है, उसी में अंदर जाना पड़ेगा। और विजय का नाम ले लो, और लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है। तो अगर आप भी पटना रहते हो, विजिट कर रहे हो और बढ़िया से मटन खाना चाहते हो, तो विजय होटल में आके इसको टेस्ट कर सकते हो। 130 रुपये में आपको 2 पीस मिल जाएंगे, साथ में रोटी मिल जाएगी, चावल मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको जल्दी से फिनिश करता हूँ और मैं तब से नेक्स्ट वीडियो में।